आज मैं आपको एक्चुअल साइड में कंक्रीट कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ कि हम जो है कंक्रीट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्या ये देख सकते हो आप कि हमारे पास जो है स्टील कंप्लीट हो गया है। इस सेक्शन में आप देख सकते हो ये हमारे पास स्टील कंप्लीट है। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करके देनी है कि हमारे इतने मीटर क्यूब हमें कंक्रीट चाहिए, जो फिर वो सुपरवाइज़र ऑर्डर करेगा तो हमारे पास टीएम साइड पे आएगा। सो फिर हम यहाँ पे पोरिंग करेंगे। सो ये सेक्शन आप देख सकते हो, इस सेक्शन में जो है हमारे पास इस साइड पे ये जो सामने सेक्शन है यहाँ तक जो है हमारे पास पोरिंग होगी। ये सेक्शन पोरिंग होगी, इस साइड पे पोर हो चुका है। सो इसका आपको समझाने के लिए मैंने रफ सा स्केच बना ली है कि हमारे पास एक्चुअल साइड कंडीशन ऐसी इस टाइप की बन रही है। सबसे पहले हम ये लेंथ लेंगे और हम इसका जो है एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारे पास वॉल्यूम कैसे आपने कैलकुलेट करना है कंक्रीट का, हम उसकी तरफ जाएंगे। सो सबसे पहले हम लेंथें ले लेते हैं कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ रही है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो आ रही है वो 67.6 है, 67.6। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास लेंथ कितनी है। एक मिनट। सो ये जो लेंथ है ये जो अभी हमने कैलकुलेशन की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 67 feet 6 inches है। मीन्स ये हमारे पास 67.50 हो गई है। जब हम मैथमेटिक्स में करते हैं हम इस तरह करते हैं, ये हमारे पास 67.6 इंचेस हो गया है हमारे पास इसकी लेंथ। अब हम इसकी विड्थ लेंगे कि हमारे पास विड्थ कितनी है। तो इस साइड से अब हम विड्थ जो है चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी विड्थ कितनी है। सो इस साइड से हम यहाँ तक विड्थ चेक कर लेंगे कि हमारे पास विड्थ, सो इस साइड हमारे पास 35.3 inches। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास इसकी विड्थ जो है, ये जो विड्थ है ये हमारे पास 35 feet 3 inches है। सो ये कितनी होगी, ये हमारे पास 35.25। सो ये सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, इस सेक्शन में ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसकी लेंथ्स लेते हैं, फिर हम इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे कितना कंक्रीट हमें चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप, सो इस साइड पे जो है ये इस साइड पे लेंथ जो है मैंने ले ली है। लेंथ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है ताकि हमारे पास टाइम बचे, इस वजह से मैंने यहाँ से लेंथ लेके, क्योंकि लेंथ विड्थ तो आपको सेम है। लेंथ जिस तरह हमने यहाँ पे लेंथ ली है, विड्थ ली है और डेप्थ ली है, इसी तरह हमारे पास सेम होगी। डेप्थ का आपने कैसे लेनी है, डेप्थ आपने विद द हेल्प ऑफ आपके पास जो स्मॉल इंची टेप होता है उसकी मदद से आप डेप्थ लोगे। हमारे पास यहाँ पर जो डेप्थ है वो आ रही है हमारे पास 4.5 meters, मतलब कि हमारे पास 4.6 inches है, 4 feet 6 inches है जो हमारे पास जो टोटल डेप्थ है, जो री इन्फोर्समेंट के ऊपर जो है क्लियर कवर भी है। अगर आप जो पुरानी कंक्रीट है उस साइड से देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप इस साइड से देखो ये ऊपर जो है हमारे पास क्लियर कवर भी है। सो इस क्लियर कवर को सारे को मैच करके जो है कम्प्लीट किया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास इस साइड की लेंथ हमारे पास आ गया है 52 feet 6 inches। ये जो आपके पास इस साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ थी वो 52 feet 6 inches हो गई है और इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास 53 feet 6 inches, मीन्स के यहाँ से लेके वहाँ तक। और इसकी डेप्थ जो है हमारे पास कितनी आ गई है, 4.5 feet 6 inches। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम 1 में और इसको हमने कर दिया वॉल्यूम 2 में। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस सेक्शन को ले लो और इसको अलग से ले लो, बट मैंने इसको ले लिया, इसको हमने वॉल्यूम 1 कह दिया और इसको हमने वॉल्यूम 2 कह दिया। अब इस साइड पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले देखो हमारे पास वॉल्यूम वन आपके पास किधर है, साथ में आपको ये भी दिखाता रहता हूँ। वॉल्यूम वन है हमारे पास, इसमें आपके पास पहली लेंथ कितनी है, 35 feet 3 inches। सो आपने इस तरह लेना है 35.25 पे 67, ये 67 feet 50 और आपके पास डेप्थ कितनी है, 4.5 feet 6 inches है, 4.5 आ गई। अब ये आपके पास आ जाएगा क्यूबिक फिट में, जब मल्टीप्लाई करोगे क्यूबिक फिट में आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 35.28 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, वॉल्यूम आपके पास आ गया मीटर क्यूब में।
अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम 2 वी 2 यहाँ पे। अब इसकी हमारे पास लेंथ जो होती है वो 52 फीट 5 इंचेस, 53 फीट 5 इंचेस और 4 फीट 6 इंचेस उसकी डेप्थ थी। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ये क्यूबिक फीट में आंसर आएगा और इसको डिवाइड बाय 35.28 से करोगे तो आपके पास मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब इसको आपने एडअप कर लेना है, जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है V1 प्लस V2 आपने उसको एडअप किया 303.5 प्लस 358, जब इसको ऐड किया आपके पास 661 मीटर क्यूब आ गया। सो इसको आप राउंड ऑफ कर दो कि आपके पास तकरीबन राउंड ऑफ से 680 मीटर क्यूब जो है आपके पास कंक्रीट रिक्वायर्ड है इस सेक्शन में। अब इसके अंदर आपके पास जो स्टील वॉल्यूम ले रहे हैं उसको जो है कट करके जो वेस्टेज है उसको ऐड अप करके हमारे पास राउंड ऑफ करके जो है हम अंदाजे के तौर पर बना सकते हैं 680 मीटर क्यूब हमारे पास इस सेक्शन में कंक्रीट लगने जा रही है। सो इस तरीके से हम कंक्रीट की एक्चुअली कैलकुलेशन करते हैं एट द साइट पे कि कंक्रीट हमारे पास कितनी लगेगी जो हमारे पास पोर होने जा रहा है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।